वैदिक गणित के द्वारा बहुत ही आसानी से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना हासिल लिए हुए कोई भी आप सवाल कर सकते हैं। तो आज हम घटाव की प्रक्रिया को सीखेंगे, माइनस करना सीखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा। तो सबसे पहले एक टर्म है एकाधिक, जिसको बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, इसे समझ लेते हैं। तो इस एकाधिक को यानी इस बिंदु को उस संख्या के ऊपर बिंदु के रूप में दर्शाते हैं जिसको एक बढ़ाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 15 के ऊपर बिंदु लगा है तो हम इसे पढ़ेंगे एकाधिक 15। एकाधिक यानी एक अधिक, यानी कि 15 में एक अधिक कर देंगे, 15 धन एक बराबर हो गया 16। ठीक है, तो इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे बिना कोई हासिल लिए हुए हम माइनस की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं, 34 माइनस 18। इसको सामान्य तौर पे लिख लेते जैसे लिखते हैं 34, नीचे लिख देते 18, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आप देखिए कि चूँकि 8 जो है ये 4 से बड़ा है, 8 is greater than 4, तो हम इसके पूर्व की संख्या, पूर्वेण 8 के पूर्व की संख्या, क्या है, एक है, इसको हम एकाधिकेन कर देंगे, एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। ये एकाधिक का चिन्ह लग गया तो हमारा क्या हो गया, ये एकाधिकेन पूर्वेण हो गया। ठीक है, तो इस पर एकाधिकेन का हमने चिन्ह लगा दिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप में हम जो 8 है उसका पूरक संख्या प्राप्त करेंगे। तो इकाई के स्थान पर 8 है, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ 2 आ गया, 8 का पूरक संख्या 2, और इस 2 को 4 में प्लस कर देंगे, क्या हो गया यहाँ पर 6। अब ये 1 को हम एकाधिक करेंगे, यानी कि 1 अधिक करेंगे, एकाधिक होने के कारण 1 धन 1 बराबर क्या हो गया 2, और इस 2 को अब 3 में से घटा देंगे। तो ये 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 को 3 में से घटा दिया 1, ये हमारा उत्तर आ गया बिना किसी हासिल को लिए हुए, बड़े ही इजी वे में। एक और उदाहरण देखते हैं 560, मैं इसको थोड़ा पास में लिख लेते हैं, 560 माइनस 374। ठीक है, अब इस सवाल को भी हम एकाधिकेन पूर्वेण मेथड से करेंगे। तो आप देखिए कि 4 is greater than 0, है ना, 4 जो है 0 से बड़ा है, तो 4 के पहले हम 7 पर एकाधिकेन लगा देंगे। ठीक है, तो 7 पर एकाधिकेन लग गया, ये 8 हो गया। अब 8 is greater than 6, तो हम 3 पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रक्रिया कि 4 is greater than 0। ठीक है, तो हमने 7 पर एकाधिकेन का चिन्ह लगा दिया। अब इस 4 की पूरक संख्या प्राप्त करेंगे, इकाई के स्थान पर 10 है, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इसकी पूरक संख्या 6 आ गई, 4 की पूरक संख्या 6 आ गई, और 6 को 0 में प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया 0। अब आप देखिए कि यहाँ पर 8 हो गया है, 8 is greater than 6, तो यहाँ 3 पे लगा दिया है ना। अब 3 पर एकाधिकेन लगा दिया, 7 जो है, 7 का हम पूरक, 7 जो है इसके ऊपर एकाधिकेन लगा है, तो हम 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का हम पूरक प्राप्त करेंगे, तो 8 का पूरक क्या होगा, 10 में से 8 को माइनस किया 2 आ गया। ठीक है, और इस 8 का पूरक 2 आ गया, और 2 को 6 में प्लस कर देंगे, ये क्या हो गया, 8 हो गया। इसी तरह आप 3 का एकाधिक करेंगे, तो 3 में हमने 1 को प्लस कर दिया, 4 आ गया। ठीक है, और अब इस 4 को 5 से माइनस कर देंगे, 1 आ गया। तो आप देखिए कितने इजी वे में निकल आया, एक बार फिर से देख लीजिए, 4 is greater than 0, तो हमने एकाधिक लगा दिया 7 पे, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 is greater than 6, तो यहाँ पर एकाधिक लग गया 3 पर। अब 4 का हम पूरक निकालेंगे,
10 में से 4 गया 6, 6 को हम 4 में प्लस कर देंगे 6। अब 7 का 7 एकाधिक है तो 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 का पूरक निकला 2, 2 और 6 को प्लस कर दिया यहाँ पर 8 हो गया। 3 के ऊपर एकाधिक है 3 प्लस 1 4, 4 अब चूंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो 4 को हम 5 से माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 7। तो बिना किसी हासिल लिए हुए, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आराम से आपका घटाव का काम हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़े इजी वे में आप इस एकाधिकेन पूर्वेण विधि के द्वारा घटाव की प्रक्रिया करते हैं। वैदिक गणित हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई जो गणित है बहुत ही इजी वे में समझाई गई है। आप इस चीज़ को अपने थोड़ा सा ध्यान दे करके अपने दिमाग में उतार लें तो बड़े से बड़ा जो सवाल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आप चुटकियों में कर सकते हैं।